फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले एपिसोड में अब अरमान का परिवार और गोइंग का परिवार एक दूजे से जुड़ने वाला है, मगर अफसोस ये परिवार एक दूजे से जुड़ रहा है क्योंकि रिश्ता रोहित और रूही का होने जा रहा है। अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में माधव फैसला करेगा कि वो सब कुछ बता देगा गोइंग का परिवार के लोगों को। भाई माधव किसी भी हाल में झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं जोड़ना चाहता। 22 साल पहले अरमान की माँ को लेकर जो कुछ भी हुआ, माधव किस तरह से किसी दूसरी ही लड़की से प्यार करता था। अरमान इस परिवार का खून तो है लेकिन विद्या का बेटा नहीं है। 22 साल पुराने अतीत के सारे राज माधव गोइंका परिवार के लोगों को बताने का फैसला करेगा और सबसे समझदार माधव को फिलहाल स्वर्णा ही लगने वाली है। तो आप देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में माधव स्वर्णा से मिलने के लिए जाएगा बिना दादी सा को कुछ भी कहे और स्वर्णा को जाकर सारा सच बता देगा। माधव स्वर्णा को अपनी पहले प्यार की मौत के बारे में भी बताएगा और स्वर्णा को अभिमन्यु इस दौरान याद आ जाएगा। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं रोहित अरमान के परिवार के साथ गोइंका परिवार के तार जुड़े हुए। रोहित अरमान के परिवार के साथ गोइंका परिवार का सीक्रेट कनेक्शन जुड़ा हुआ आप सबको नजर आने वाला है। अब ये सीक्रेट कनेक्शन बाकी रिश्तों पर क्या असर डालता है देखना होगा।